हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम हाइड्रोजन परोक्साइड के बारे में। सॉल्यूशन जो आता है लिक्विड, काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते हैं आप लोग, और लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे काम करता है, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, तो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए हाइड्रोजन परोक्साइड की, तो तरह तरह के ब्रांड नेम्स के माध्यम से मिलता है मार्केट में। होता क्या है, हाइड्रोजन परोक्साइड ही होता है, H2SO2 होता है, H2O2। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, ये सस्ता मिलता है, काफ़ी सस्ता मिलता है, मतलब 450 ml, मतलब कि आधा लीटर लगभग 30-35 रुपये में मिल जाता है। तो ये एक प्रकार से एक माइल्ड एंटीसेप्टिक बोला जाता है इसे। क्या माइल्ड एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक तो है, लेकिन एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ नहीं किया जाता किसको, हाइड्रोजन परोक्साइड को। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन मतलब कि इसमें दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। तो जब भी किसी सरफेस पे इसको गिराया जाता है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होने लगता है, तो क्या होता है, झाग बनने लगता है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल प्रोसीजर्स में, क्लिनिकल यूजेस में, कि भाई ये झाग बनाता है। अब हमको झाग बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है? हाइड्रोजन परोक्साइड का यूज़ की बात की जाए, तो भाई कोई भी ऐसा घाव हो जो कि थोड़ा पुराना हो गया हो, एक दो दिन पुराना, या ताज़ा घाव हो जिसमें धूल मिट्टी भर गई हो, धूल मिट्टी जम गई है, या कान का इन्फेक्शन हो गया है, कान में मैल भरा हुआ है बहुत सारा, या कोई भी मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनको साफ करने के लिए, मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो ये क्लिंजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। एंटीसेप्टिक तो है, लेकिन साथ में चीज़ों को साफ भी करता है। आपके पास अगर कोई घाव है, उसमें मिट्टी भरी हुई है, तो उस मिट्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हील नहीं हो पाएगा, वो पकने लगेगा, सड़ने लगेगा। तो क्या करते हैं कि घाव पर जब जब इसको डालते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो वो घाव बनाता है, तो धूल मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो इसको साफ़ करके आप उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, पट्टी वगैरह जो भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन परोक्साइड बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको घाव को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट डीप घाव को नहीं करते। जो जख्म गहरे होते हैं उनको कभी भी इससे साफ नहीं किया जाता, उस जगह पे बीटाडिन का सॉल्यूशन वगैरह आता है, वो लगाया जाता है, बट जो ऊपरी सरफेस पे कई बार घाव होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा सा कान में एक दो बूंद डाल दो, तो वो पूरा का पूरा मैल को बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं कि भाई आपको कितना डालना है, कितना डालना। तो आप इतना समझ लो कि साफ करना है आपको किसी भी सरफेस को, किसी भी जख्म को, वहाँ पे आपको पट्टी करना है, तो इससे आपको धोना पड़ेगा। नॉर्मल से ऐसे धो देते हैं डाल के, तो साफ अच्छे से हो जाता है, धूल मिट्टी कण ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि माइल्ड किलर भी होता है, कई बार देखा गया है कि भाई अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से घाव सड़ गया है, वहाँ पे इसको लगाते हैं तो उस घाव को हील होने में भी मदद करता है, क्योंकि थोड़ी सी एंटी, बोलना चाहिए कि एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल प्रॉपर्टी, मतलब कि मारने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक से यूजेज हैं, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, आप इसको टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए, या स्टिकर वगैरह को निकालने के लिए, या कोई दाग है उसको छुटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सावधानियाँ होती हैं, जब भी आप हाइड्रोजन परोक्साइड का यूज इस्तेमाल करें, तो भाई मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान रहे हैं ये सरफेस को साफ़ करता है, बट ज़्यादा लंबे लंबे समय तक आपके हाथों में लगा रहता है, तो आपको एलर्जी दे सकता है। और कई बार जब ऑक्सीजन उसमें से रिलीज़ होता है, तो उसकी थोड़ी सी वेपर उड़ती है, तो आपकी नाक में घुस जाएगी, तो आपको ये इफ़ेक्ट देगा, साइड इफ़ेक्ट देगा, ठीक है। तो इसका ओरल तो यूज़ होता नहीं, बट कई बार अगर मास्क नहीं लगाए हैं आप, उसको 24 घंटे यूज़ करते रहते हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ हैं आप, वार्ड बॉय हैं, कोई भी हो, तो क्या होगा कि अगर ये नाक में घुस जाता है, तो कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन से साइड इफ़ेक्ट भाई? स्किन में रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, और तो और दोस्तों सोर थ्रोट, मतलब कि गले में खराश हो सकती है, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बहुत कम होता है बट होती है, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए कहाँ कहाँ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, सर्जिकल प्रोसीजर्स में, ठीक है। और ये होता है क्या, हाइड्रोजन परोक्साइड। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।